अमित त्रिपाठी तीसरे पन्ने। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे पीएफ घोटाले की, जांच करेगी सीबीआई की। जी हाँ, 2600 रुपए से ज्यादा करोड़ के घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। कल ही सीबीआई ने इसको अपने हाथ में ले लिया। 4 महीने पहले जब ये घोटाला सामने आया था, उसी समय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिए थे, लेकिन सीबीआई के पास चूंकि तमाम काम रहते हैं, इसलिए वो इस केस को तुरंत टेकअप नहीं कर पाई थी। और यही कारण है कि योगी जी ने इसको ईडब्ल्यूओ से जांच कराने की बात की थी और ये कहा था कि जब तक सीबीआई इस केस को टेकअप नहीं करती है तो ईओडब्ल्यू इसकी जांच करेगी। ईओडब्ल्यू लगातार इसकी जांच कर रही थी और अब कल पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने एक नई एफआईआर दर्ज की है जिसमें गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है और तमाम अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इससे पहले इसमें 17 लोग नामजद किए गए थे और ये 17 लोग अभी जेल में हैं। इनकी बात करें, इसमें 3 महत्वपूर्ण लोग हैं। तत्कालीन एमडी एपी मिश्रा इस समय जेल में है और 2 और गुप्ता और जो कि वित्त थे और 1 और डायरेक्टर भी इस समय जेल में है। ये द्विवेदी 3 लोग, ये इसके साथ में 17 लोग जेल में हैं और कार्रवाई चल रही है। सारी जो ईओडब्ल्यू ने जांच की थी वो सारी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई अब इस पे अपने तरीके से जांच करेगी। वो लोगों को यकीन है कि अब कर्मचारियों का भविष्य निधि का जो पैसा था वो डूबेगा नहीं। क्या डूबेगा नहीं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सीबीआई लोगों को जेल तो करवा सकती है, पनिशमेंट दिलवा सकती है, लेकिन क्या पैसा रिकवर करेगी? कर्मचारियों का पैसा जो जिंदगी भर उन्होंने पैसा कमाया और उसके बाद अब वो खतरे में है, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बताते चले कि सीबीआई ने कहा कि अपर्णा यू तत्कालीन जो सचिव रही हैं उनसे भी बात करेगी और क्या संजय अग्रवाल जो कि उस समय चेयरमैन थे, हालांकि उनको क्लीन चिट दे दी गई है, क्या उनसे भी पूछताछ करेगी? ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम सीधे उनसे आपका तारुफ करा देते हैं और सीधे डिबेट पर चलेंगे। अवधेश वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका। अमित त्रिपाठी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सुमन गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है सुमन जी। और साथ साथ में हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करा देते हैं, कर लेते हैं। पवन गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं और मजहर नकवी, चलिए अभी हमारे कानपुर स्टूडियो से गेस्ट नहीं आए हैं और जब वो आएंगे तो उनका हम आपसे तारुफ जरूर कराएंगे। इस बीच हम रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का, अमित त्रिपाठी का रुक करेंगे। अमित त्रिपाठी, अब जब जांच सीबीआई को सौंप दी गई तो मामला एकदम साफ हो जाएगा, यानी कि दूध और पानी एकदम अलग अलग साफ साफ हो जाएगा। देखिए, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे सरकार का रहने वाला है और उसी की तरफ ये पहला कदम नहीं। आप पिछले 3 सालों में जिस तरीके से लगातार सरकार के अधिकारियों पे जो भी दोषी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई लगातार हो गई है और ये एक बढ़िया स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमेशा सीबीआई जांच की मांग करने लगता है कोई भी मुद्दा आता है, तो हमारी सरकार ने ये मौका भी ना देते हुए जिस तरीके से हाथों हाथ सीबीआई को जांच दे दी है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, किसी का भी पैसा नहीं मरने जा रहा। सरकार पूरी तरीके से उन जनता के साथ खड़ी हुई है, आप देखते जाइए, जांच हो जाने दीजिए, जो भी चीजें निकल के आएंगी वो आपके भी सामने होगा, हमारे भी सामने होगा। लेकिन हाँ, एक उत्तर प्रदेश में एक अच्छा मैसेज चला गया है फिर से एक बार कि भ्रष्टाचार पर योगी सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है, अपनी तरफ से निरंतर भ्रष्टाचार कैसे उत्तर प्रदेश से जो कैंसर की तरीके से उत्तर प्रदेश में था कैसे उसको खत्म किया जाए, वो एक कदम के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अवधेश वर्मा जी, क्या कहेंगे आप?
देखिए जहां तक सवाल है, जो DHFL पे गलत तरीके से जो पैसा निवेश किया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पूरे पैसे की बात कर ले तो लगभग वो 4100 करोड़ रुपया था। धीरे धीरे जो वापस आ गया, वापस आने के बाद जो अभी लगभग बचा है 2267.90, मतलब लगभग 2268 करोड़ रुपया अभी भी DHFL में फंसा हुआ है। अब जो आने वाले समय में अगर विधिक प्रक्रिया की बात करें तो NCLT में मामला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे कार्मिक है हमारे, उनका एक ही उद्देश्य है कि भाई पैसा किसी भी तरह लौट के वापस आ जाए, जिससे जो कार्मिक है उनकी जो खून पसीने की कमाई है वो मरने ना पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखो, कार्मिक हमारे जो लगातार डिमांड कर रहे थे, पूरे प्रदेश में बहुत लंबा आंदोलन भी चला था, सबकी एक ही डिमांड थी कि एक तो ये कि सरकार इसकी गारंटी ले ले। तो सरकार ने एक अधिसूचना तो नहीं जारी किया था, लेकिन एक गारंटी के लिए एक सरकारी गजट जरूर जारी किया, सरकारी एक वो कह लीजिए कि आप पत्र एक जारी करके ये इंश्योर कर दिया था कि किसी का भी पैसा डूबने की स्थिति में अगर पावर कारपोरेशन GPF या CPF ट्रस्ट से कार्मिकों को पैसा नहीं दे पाएगा, कोई दिक्कत आएगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी मदद करेगी। दूसरी डिमांड थी कि जो पूरा मामला है इसमें कौन से लोग दोषी हैं, इसकी CBI से जांच कराई जाए। ये लंबे समय से जब ये डिमांड हुई थी उसके बाद ही सरकार ने 2 नवंबर 2019 को ही केंद्र सरकार से सिफारिश कर दी थी कि इसकी CBI जांच कराई जाए। मामला चूंकि एक लंबा होता, DOPT गया और सब जगह बैठकों के माध्यम से अंततः 2 दिन पहले 5 तारीख को CBI ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। निश्चित तौर पर अब प्रदेश के कार्मिकों के बीच में जो बिजली के कार्मिक है उनके दिमाग में एक बात तो जरूर है कि चाहे इसमें जितना से बड़ा कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जैसे भी आपने ही कहा कि भाई एक IAS जो है मिस्टर संजय अग्रवाल साहब जो चेयरमैन रहे हैं उनको क्लीन चिट दिया गया। सवाल ये होता है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए कोई क्लीन चिट किसी को नहीं दे सकता, जब तक ये पूरी फाइनल जांच ना हो जाए और कोर्ट ना तय कर दे कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। ठीक, तो ये मामला आने वाले समय में जब CBI टेकअप करेगी तो परत खुलती रहेगी और आने वाले समय में एक बड़ा खुलासा होना तय है कि इसमें कौन से बड़े लोग दोषी थे और किनके द्वारा ये निर्णय लिया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये CBI के पाले में पूरी तरीके से पूरा मामला चला गया। जी सुमन गुप्ता जी का रुख करेंगे। सुमन गुप्ता जी, मामला अब CBI के पास में आ गया है, CBI जांच कर रही है, आपको क्या लगता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? जी देखिए, CBI जांच करती है क्योंकि ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया था, क्योंकि जिन कंपनियों में इसका निवेश किया गया था उन कंपनियों, पहली बात तो ये होता है कि जो PF का निवेश हो वो राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही हो, प्राय इस तरीके का, लेकिन जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनके लिए होता है कि जहां पे एक गारंटी होती है कि लोगों के धन जो है सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये निवेश किया गया, कई बार ये आया कि नहीं इनमें अनुमति नहीं ली गई थी, सिग्नेचर जो है दूसरे के हैं, क्या है, अब चूंकि आर्थिक अपराध शाखा इसकी जांच कर रही थी और CBI को ये हैंडओवर हो गया है, CBI ने इसे टेकअप भी कर लिया है, तो निश्चित रूप से ये है कि CBI के हाथ लंबे हैं कह सकते हैं, तो वो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेगी ऐसा और दोषियों को दंड भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसे की जिनका PF वहां पे जमा है वो पैसा कैसे वापस आए, सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पैसा कैसे वापस आए, क्योंकि पैसा आएगा तभी कर्मचारियों को पैसा मिल पाएगा, जीवन भर की पूंजी है उनकी, अपना जीवन का अमूल्य क्षण वो सरकार को देते हैं और तब जाकर के लास्ट में वो ये रकम निकाल पाते हैं जिससे कि उनका जो बुढ़ापा है, जो वृद्धावस्था है, वो सुकून से कट चुके। हमारे साथ में दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं। पवन गुप्ता हैं कांग्रेस के नेता, आपका स्वागत है, और मजहर नकवी साहब भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। पवन जी, जांच CBI ने शुरू कर दी है? जी, अभी तक इसकी इकोनॉमी विंग जांच कर रही थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही रिकमेंड कर दिया था CBI जांच के लिए, मगर ठीक है, कई महीने बाद निर्णय हुआ, अब CBI के पास ये जांच आ गई है। मगर जिस तरह से जांच अभी तक चली है, ठीक है, 70 लोग इसमें गिरफ्तार हैं, उसके मुख्य जिम्मेदार लोग सब अभी जेल के अंदर हैं, किसी को जमानत नहीं मिली है, मगर इसमें जो सबसे बड़ा कि अभी जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे, जो पूरा डिटेल दे रहे थे सर वर्मा जी, कि इसमें अभी किसी को क्लीन चिट देना, जब जांच के दायरे में अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, मैटर कोर्ट में पहुंचा नहीं है, जुडिशरी का मैटर अभी उसमें नहीं आया है, उस समय तक ये अगर दे देना कि किसी को क्लीन चिट किया, इसने नहीं किया, गलत किया, सही किया, या फर्जी साइन किए थे इसलिए इनको इनके इनके इससे बाहर कर दिया जाए, ये सब बातें अब CBI के आने के बाद और ज़्यादा स्पष्ट रूप से, क्योंकि CBI का दायरा बड़ा है, उसकी जाँच का सिस्टम ज़्यादा अच्छा और बेहतर है, देश में बेस्ट एजेंसी है, वो अपने ढंग से करेगी। मगर यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ये जब ये जिस तरह का घोटाला जिस क्षण में हुआ, अखिलेश सरकार चुनाव हार गई,
अखिलेश की सरकार चुनाव हार गई और जब 14 तारीख पर चुनाव हारने के बाद 24 तारीख को शपथ ली योगी जी ने, उस बीच में पूरा एक कांड हुआ और पूरा कांड होने के बाद उसके 22 तारीख को मीटिंग करके उसको 24 तारीख को दिखा दिया गया। इतना बड़ा हम आपसे यहाँ पर रिपीट करना चाहते हैं, पिछली बार भी कभी ये चर्चा आई थी कि कोई भी सरकार जब कभी सत्ता में आती है तो पिछले एक महीने के कार्यों को रिव्यू करती है वो, और रिव्यू करने बाद उसमें फिर निर्णय लेती है इसको इंप्लीमेंट किया जाए ना किया जाए, गलत तो नहीं हो गया, किसी ने दुरुपयोग तो नहीं कर लिया, ये बातें करती है। कोई कोई सरकार तो 6-6 महीने के कार्यों को रिव्यू करती है। अब इनके सामने 15 दिन उस पीरियड में जिसमें ना कोई सरकार थी और आने वाली सरकार शपथ की तैयारी कर रही थी, उस पीरियड में कांड हो गया और इनके 2 साल बाद इन्होंने जाके नवंबर 2019 में उसमें कार्रवाई हुई। तो ये एक सिस्टम में इनकी देखभाल में इनकी सरकार की नाकामी के ऊपर ये इशारा करती है, मेरा ये कहना। ठीक है, मजहर नकवी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखना बिल्कुल उचित नहीं है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि इसमें एक समय अवधि भी तय हो जानी चाहिए कि इतने समय में ये जांच पूरी कर ली जाए। इसमें ऐसा तो है नहीं कि कहीं साक्ष्य एकत्रित करने के लिए सीबीआई को बहुत ज़्यादा जो है जाना पड़ेगा। सारी पत्रावली जो है मौजूद है, सभी लोग जो हैं अभी देश से फरार नहीं हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम एक और जहाँ पर लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो जीवन भर की कमाई है उसको जो है कुछ लोग जो है निजीकरण के नाम पर या अपने स्वार्थ के नाम पर जो है ऐसी कंपनियों को दे देते हैं जिनका कि अस्तित्व भी ठीक नहीं है। इसमें अनुकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए और सरकारी वकीलों को भी विरोध करना चाहिए कि जब तक कि इस मामले में फैसला ना आ जाए तब तक किसी की जमानत भी नहीं होनी चाहिए। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें इसमें कोई ठोस गुंजाइश नज़र नहीं आती है कि इसके कोई अच्छे परिणाम निकलेंगे। अवधेश वर्मा जी की चिंता बहुत उचित है और इसमें अनुकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए और वो भी एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है। अमित त्रिपाठी जी, क्या सब जो बात आ रही निकल के कि सफेद पोषों पर भी कार्रवाई की जाएगी, सफेद पोष भी अब बच नहीं पाएंगे, कौन है सफेद पोषू? देखिए मैंने कहा आपसे कि हमारी सरकार किसी को बचाने का काम नहीं करती है। आपने देखा पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार उजागर हुए, हमारी सरकार ने जो उजागर किए, किसी को चाहे वो सफेद पोशाक कास्ट की जो बात ये कर रहे हैं उसमें, चाहे विपक्ष के मजबूत नेता चाहे आजम खान जैसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, आज वो जेल के पीछे हैं। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, आज विपक्ष आखिर कोई चीज विरोध के लिए विरोध क्यों कर रहा है? अगर कोई कदम सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक पॉजिटिव कदम उठा रही तो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो अभी एक कह रहे थे कि हमारी सरकार की नाकामी है कि वो 15 दिन के भीतर जो चीजें निकल के आई, ये 15 चीजों 15 दिनों के अंदर की नहीं है, ये पिछले 15 सालों की चीजें हैं जो आप लोगों ने मिम बांट के जो मंगाई खाई थी उसको हमारी सरकार आज उजागर करके एक एक को चिन्हित करके जो जो इसमें उनको जेल के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। पिछले 15 वर्षों में आपकी और सपा की और बसपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं रही 30 वर्षों में, आपकी सरकार रही है। आप बैसाखी के रूप में कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट आते रहा है। एक चीज बताओ जी के पास चलें जी प्रदीप जी, एक चीज जी, इसमें कोई राजनीतिक प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं चीज आपको बताता हूँ जी, ट्रस्ट जो होता है ट्रस्ट पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है, ट्रस्ट की भूमिका पूरी तरीके से उसका जो चेयरमैन होता है पावर कास्टन का चेयरमैन, वो उसका चेयरमैन होता है ट्रस्ट का। हाँ। और जितने भी और 12-15 लोग होते हैं एमडी से लेकर सभी लोग उसके ट्रस्टी होते हैं। हाँ। मेंबर ग्रुप में काम करते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो इसके तह में मैं जाना चाहूंगा कि आने वाले समय में सीबीआई भी पूरा जांच करेगी, 8/5/2013 को ट्रस्ट की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास होता है कि जो पैसा है वो जो भी नेशनलाइज बैंक है उसमें भी एफडी की जाए। हाँ, इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा मामला शुरू कहां से हुआ, 21/4/2014 को ट्रस्ट की बैठक में दोबारा एक रेजोल्यूशन पास होता है कि अगर कहीं सुरक्षित निवेश हो रहा हो और अधिक लाभ मिल रहा हो तो वहां भी पैसा दिया जा सकता है। नहीं नहीं कहीं कहीं ये मामला तो नहीं है, अधिक लाभ लेने की का मामला तो नहीं कहीं की ज्यादा लाभ मिल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अब सवाल ये आता है वहीं से, इसके बाद फिर आने वाले समय में पीएनबी हाउसिंग में पैसा गया। हाँ, इसके बाद ये मार्च 2017 से, मैं कहना चाहूंगा मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक
पूरा पैसा जाता रहा और कहीं कहीं ये मामला पूरा जब उजागर हुआ, एक शिकायत गुमनाम शिकायत आती है, इसके बाद उजागर मामला होता है। मैं जी और आपको बताना चाहूंगा, जहां तक सवाल है कि अभी बात हो रही थी कि दूसरी सरकारों ने आया इसकी समीक्षा क्यों नहीं किया, बिजली विभाग का बोर्ड जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने के बाद ट्रस्ट क्या कर रहा है इसमें कहीं भी अच्छी बता दूं, ये पब्लिक डोमेन का कोई सब्जेक्ट नहीं था, कोई टैरिफ का सवाल नहीं था कि ये किसी भी सरकार के पास जाए या ऊर्जा मंत्री जी के पास जाए, ऊर्जा मंत्री या किस सरकार से कोई मतलब इसका नहीं था। जो पावर कार्पोरेशन में नौकर साहब जो भी अपॉइंट होते हैं या जो भी एमडी इंजीनियर अपॉइंट होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो ये सब देखता और उसमें एक कार्मिक संगठन का एक मेंबर भी होता है ट्रस्ट में, तो सब मिला के कहीं कहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है पावर कार्पोरेशन का, उसने कहीं कहीं उदासीनता बरती और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सभी लोग मिले हुए थे। ठीक है, जवाब सब लोग मिले हुए थे, अमित त्रिपाठी सब लोग मिले हुए थे, हालांकि सीधे मंत्री का कोई इसमें रोल नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी उनकी ये थी कि वो देखना चाहिए था कि कहां कहीं कोई घटला घपला घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि जो लोग छोड़ दिए गए हैं, जैसे तत्कालीन सचिव है अपर्णा यू, उनसे बात पूछताछ करने की बात की जा रही, इन लोगों से भी जांच करके पूरा मामला निकाला जाएगा? देखिए सीबीआई के हाथ में केस है, सीबीआई को जैसा सही लगेगा, जिनसे भी पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी हम उसको सामने पूछताछ करेंगे, और जो भी दोषी है या जिस पे भी हमें शंका है, किसी को बख्शन, मैंने आपसे कहा किसी को बख्शने के मूड में नहीं है सरकार, लेकिन देखिए हमारी सरकार 2013 में नहीं थी, हमारी 2017 में सरकार बनी है। मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि जो चीजें परिपेक्ष में जो हमारे आई, हमने उसी समय से कार्रवाई करना, आज वही इच्छा शक्ति दिखाते हुए हमारी सरकार ने इस पे एक मजबूत कदम उठाया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश पे ही सीबीआई को रिकमेंड किया गया कि आप इसकी जांच कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। एक चीज भाई, एक बहुत बड़ा सवाल जी, एक्चुअली में जांच चल रही थी, ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू किया, इसके बाद एक जब अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में एक खबर आती है कि बोर्ड के जो हमारे जो पावर कंपनी के चेयरमैन संजय अग्रवाल साहब को क्लीन चिट मिल जाती, सवाल ये सब है जो आने वाले समय में, एक चीज मैं आपको इसको कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, एक चीज को कहना चाहूंगा, ये बात ईओडब्ल्यू को जरूर इस बात का, अगर ये बात कहीं आई है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के बाद उनका कहीं फर्जी साइन मिली, ये बात जरूर आएगी आने वाले समय में, और सीबीआई को ये तहकीकात में जाना पड़ेगा और जाएगी निश्चित तौर पर जाएगी कि भाई ये नौकरशाहों को कोई बचाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं की गई, क्योंकि नौकरशाही ये पूरे जो पावर कारपोरेशन का जो ट्रस्ट था उसका चेयरमैन होता था, और निश्चित तौर पर हमको योगी सरकार पर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में योगी सरकार जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। इसीलिए सीबीआई जांच कर दी गई ना। हाँ अमित जी बताइए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सीबीआई जांच होगी तो ऊपर पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक जब जांच होगी वो पूरा ऊपर से जो पिछली जांचें थी उसको भी पढ़ेगी, और जो चीजें निकल के आएंगी जांच का जो विषय जो भी जांच में आएंगे वो उनसे पुनः अगर जरूरत पड़ेगी तो की जाएगी। हाँ बिल्कुल। और आप नहीं, नहीं, लेकिन सवाल ये होता है कि ईओडब्ल्यू ने उनको क्लीन चिट कैसे दे दी, कह रहे उनका फर्जी सिग्नेचर बनाया गया, मतलब किसी भी चेयरमैन का फर्जी सिग्नेचर बनाया जा सकता है, ये अनार्की किसी भी विभाग में। देखिए मैंने कहा आपसे ये जांच का विषय है, इसीलिए सीबीआई जांच के हमारी सरकार ने किसी तरीके की कोई खामी इसमें ना रह जाए, पारदर्शिता से पूरी जांच हो जाए। हाँ। इसीलिए ये सीबीआई जांच दी गई है कि अगर सही में ये दोषी नहीं है, दोषी है तो उनपे कार्रवाई की जाए, अगर कोई निर्दोष है तो उसको फर्जी फंसाया भी ना जाए, इसलिए ये सीबीआई जांच है। ठीक है, सुमन गुप्ता जी का रुख करें। मैं थोड़ा इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ इसी विषय पर कि इन्होंने जो सीबीआई के संजय अग्रवाल जी को क्लीन चिट दी गई है उसके पीछे भी मंतव्य है, दैट इज क्लियर नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का पैनल बन रहा था, कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के पैनल में वो भी रिजर्व करते थे, कोई भी आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी बने या भारत सरकार का सचिव बने उसके लिए उसकी पात्रता में कहीं कोई उसके खिलाफ केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई खिलाफ उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, उसको क्लियर करने के लिए इनको क्लीन चिट दी गई, मतलब फेवर किया गया। जो जो अधिकारी चेयरमैन था उसका, जिसकी चेयरमैनशिप में ये घटना हुई और उसके बाद उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए, तो इस तरह इसमें सहयोग करना है, अपराधियों को बचाने का काम है। से पूछना चाहता हूं जो इतना ये ज्ञान दे रहे हैं, जो ये हम अगर नौकर साहब को बचा रहे होते तो आज 1500 से ज्यादा कर्मचारी जो सरकारी व्यवस्था में है उनको सस्पेंड करने का काम हमारी सरकार ने किया। आपके हर विषय पर हर जगह जांच का विषय है, आपके हर काम पर प्रश्न चिन्ह है, आपको हम ज्ञान नहीं दे रहे, आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप इसको भटकाने की कोशिश ना करें, हम ज्ञान नहीं दे रहे आपको, हम आपको जानकारी दे रहे हैं मित्रवर, आप भटकाने की कोशिश मत करें, आपके हर काम पर प्रश्न चिन्ह है, आपके हर हर ऊपर। चलिए चलिए सीबीआई को जांच करने दीजिए मित्रवर, सीबीआई जांच करेगी। एक मिनट आ रहा हूँ जी,
प्रदीप जी, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग सवाल है जी, एक चीज बड़ा सवाल है, ईओडब्ल्यू को भी ये पता था कि मामला सीबीआई को 2 नवंबर को राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना भेज दी जी, ईओडब्ल्यू को भी ये बात सोचना चाहिए था कि आने वाले समय में देर से सीबीआई जांच करेगी। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया जो भी एजेंसी जांच करती है उसका दायित्व होता है कि कोई साक्ष के साथ छेड़छाड़ न हो, किसी भी विक्टिम को कोई ऐसा आप सबूत न दे दे कि आने वाले समय में वो विधिक प्रक्रिया का सहारा लेके बच जाए, तो आने वाले समय में अगर आप किसी को क्लीन चिट देने की बात करेंगे, फोरेंसिक रिपोर्ट की बात करेंगे, आने वाले समय में जब विधिक प्रक्रिया में ट्रायल होगा तो क्या आप ईओडब्ल्यू पर उसका लाभ ना ले ले, तो क्या आप ईओडब्ल्यू पर सवाल उठाने का, ईओडब्ल्यू पर सवाल उठाने का काम में कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ, तो सीबीआई देखेगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया एक सभी को भी एक नागरिक के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते सबको यह सवाल करने का राइट है कि कोई भी जांच जब चल रही है तो जांच के बीचों बीच में किसी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक क्लियर न हो जाए, और या किसी को आप ये भी नहीं कह सकते वो बरी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, आज भी उसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग जेल में बंद है, जो लोग बाहर है वो बाहर ही है, उसका जुगाड़ अगर लगा रहे की उनकी गलत फहमी है, ये बिजली कार्मिकों के आंदोलन से निकला जो बिजली कार्मिकों का पैसा है, इस पर कोई अगर बचने वाला नहीं, बचने वाला नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार गाड़ी कमाई का पैसा है, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे योगी जी बहुत ही कर्मठ जुझारू है, उन्होंने जांच की बात की, अब उनकी ही जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों लोग मिलकर इसमें चाहे कितना भी बड़ा कोई अपराधी क्यों ना हो, दोषी क्यों ना हो, उसको जेल जाए। ठीक है सुमन जी, सुमन जी, ईओडब्ल्यू क्लीन चिट दे देती, बीच में खबर आ जाती है, जब उसको पता था कि सीबीआई इसको टेकअप करेगी, आज नहीं करेगी तो कल करेगी, तो वो क्लीन चिट देने वाली कौन होती, क्या सवाल नहीं कर रहे थे? ऐसा होता है कि जब बहुत सारे आप मामले जानते हैं, सिर्फ ये मामला नहीं है जी, कि जब भी लोग सस्पेंड होते हैं या इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले आते हैं या कुछ गलत हो जाता है, तो सवाल है कि किसकी गर्दन फंसाई जाए और किसकी गर्दन निकाल दी जाए जी। तो ये आज से नहीं, ये बहुत सारे मामलों में होता आया है कि जिसमें बड़े अधिकारी तो बच जाते हैं और छोटे अधिकारी नप जाते हैं। तो जहां तक किसके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बना है, किसके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बना है, किससे पूछताछ करेगी, क्या करेगी, अब ये तो सीबीआई के पास इस समय है कि वो ईओडब्ल्यू ने भले ही जो है उसे अगर क्लीन चिट दे दी है, तो भी अगर सीबीआई चाहे तो उसको अपने टेकअप कर सकती है। नहीं, और इसमें एक अच्छी बात देखेगी, एक अच्छी बात ये भी है कि जो तत्कालीन सचिव थी अपर्णा यू, उनसे भी पूछताछ करने की बात कही है सीबीआई ने। भाई ऐसा है कि जब प्रथम दृष्टया जिसके खिलाफ भी उसको जानकारी, एक तो होता है कि अगर वो अपराध के मामले में कहीं लिप्त है उस तरीके की पूछताछ, एक होता है कि मामले को के बारे में समझने और जानने के लिए उसकी जितने साक्ष्य की आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी लेना। तो अगर प्रथम दृष्टया जो भी अधिकारी इसके अंतर्गत आए हैं, अब तो मामला चूंकि सीबीआई को हैंडओवर हो चुका है, सीबीआई इसमें तो सीबीआई अपने ढंग से काम करेगी, क्योंकि ये ईडब्ल्यू जो ने जो भी इतने जांच की है उस जांच पर ही अगर सीबीआई को केंद्रित होना होता तो सीबीआई को देने की जरूरत क्या थी। आपने देखो चार सीट फाइल होने के बाद अर्पणा यू से जो पूछताछ हुई है, चार सीट कोर्ट में फाइल होने के बाद जो 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला उनसे जांच, उनसे पूछताछ हुई, तो कहीं कहीं पूरी प्रक्रिया में अगर आप क्रम वाइज कड़ी वाइज अगर आप जोड़िए तो कहीं कहीं लैकिंग जो हुआ है, कहीं कहीं आने वाले समय में देखना है कि सीबीआई तारतम्य कैसे बैठाती है, कैसे किसको से पूछताछ शुरू करती, क्योंकि अब तो पूरा नया केस तरीके से उसको टेकअप करेगी और पूरे कागज पत्रों में देखकर देखेगी कि ईओडब्ल्यू ने अगर कहीं गलती करी तो क्यों गलती करी, किसके दबाव में गलती करी, तो सब यहाँ पे सीबीआई अब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी और निश्चित तौर पर एक अच्छा आने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई जिसको भी जांच करे, जेल भेजे, कार्रवाई करे, सब अलग बात है, लेकिन कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा वापस कैसे आएगा, सबसे बड़ा सवाल यही। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकारी कर्मचारी पर चाहे जितने आरोप लगे कि वो भ्रष्टाचारी है, घूसखोरी है, देर से आता है, काम नहीं करता है, लेकिन इन सबके बावजूद अपने जीवन का अमूल्य क्षण वो सरकार को देता है, पूरे 35-36 साल वो नौकरी करता है और थोड़े थोड़े पैसे कटवा करके अपना पीएफ जमा करता है, जिससे कि उसका बुढ़ापा शांति से कट सके। कैसे कटेगा उसका बुढ़ापा शांति से अगर पैसा वापस नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सीबीआई वो पैसा वापस दिला पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
के न्यूज खबरों का सारथी। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 बड़े अधिकारी जेल में है। पूर्व एमडी बिजली विभाग एपी मिश्रा जेल में है, सुधांशु द्विवेदी जेल में है, पीके गुप्ता जेल में है, लेकिन सीबीआई ने उनके खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज किया है। अब कैसे वो अपने इस चीजों को आगे बढ़ाएगी, जरा राजनीतिक विशेषज्ञ रुख कर लेते हैं। पवन गुप्ता का रुख। पवन जी, आपने लंबे समय तक राज किया है, देश पर राज किया है, प्रदेश में भी लंबे समय तक सरकार रही आपकी, हालांकि उत्तर प्रदेश में 30 साल से आपका सूखा पड़ा है, लेकिन क्या लगता है कि अब जब नए तरीके से एफआईआर दर्ज हो रही है तो इस केस की नए तरीके से जांच होगी? निश्चित रूप से सीबीआई जांच कर रही है, जिसपे देश में लोग इस एजेंसी बड़ा भरोसा विश्वास करते हैं। जैसा वर्मा जी बोल रहे थे, कई लेखना ईओडब्ल्यू की जांच में हैं, जिनको की जिसके जवाब इनको देने पड़ेंगे सीबीआई को, है ना। इसमें उससे आगे बढ़, जबकि देखिए केंद्र सरकार की 2015 की स्पष्ट निर्देश थे कि एक लिस्टेड उन्होंने बैंकों की सूची दी थी, आप इनको सिर्फ फाइनेंस करेंगे, प्राइवेट में नहीं आएंगे, उसका उल्लंघन करने का इसने हिम्मत की। मैं वर्मा जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि यूपीपीसीएल स्वतंत्र संस्था है, इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, मगर जितने भी काम यूपीपीसीएल करती है वो सरकार के दिशा निर्देश पर करती है और 100% सरकार के डायरेक्शन को फॉलो करती है। वहाँ की बैलेंस शीट, वहाँ के जितने फाइनेंशियल मैटर हैं वो सब सरकार के पास देखभाल के लिए आते हैं, अवलोकन के लिए आते हैं, और ये पूरा पैसा 5% पैसा छोड़ के 95% पैसा इन्हीं के कार्यकाल में वहां ट्रांसफर हुआ, 2018 तक ट्रांसफर होता रहा, और इनको उसकी जानकारी नहीं होगी, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, जो पैसा बटा, जब पैसा दीवान हाउसिंग फाइनेंस हो गया, जब पैसा गया तो उसका जो कमीशन है, कमीशन पूरी तरह बटा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए पवन जी। जी एक चीज आपको बता, एक चीज आपको बता दें जी, एक चीज आपको बता दो, जो आज पर हूं मैं तो कई कानून कमेटी का मेंबर भी हूं, जो कानून जो बनता है, एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राज्य सरकार, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप या किसी को क्लीन चिट देने की बात नहीं करते हैं, राज्य सरकारों का नैतिक दायित्व वहां बनता है जहां पब्लिक डोमेन में कोई मामला आया हो, विद्युत अधिनियम 2003 की परिधि में कोई मामला आया हो, विद्युत वितरण संहिता 2005 की परिधि में कोई मामला आया हो, आचरण नियमावली जो कर्मचारियों की उसकी परिधि में कोई मामला आया हो, ऐसा नहीं आया। किसमें मामला आया, एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट में भी बता दूं, ट्रस्ट में बिजली विभाग के कार्मिकों के भी मेंबर होते हैं, उसमें बिजली कार्मिक, समझ लीजिए पूरी बात, पूरी ये पूरी एक प्रक्रिया है, अगर ट्रस्ट, हाँ, एक बार सरकार के नहीं, तो अर्जन जी, सवाल कार्मिक उसमें सदस्य है, जिस दिन ये मामला हुआ, जब हम लोग ऊर्जा मंत्री, मैं ऊर्जा मंत्री पास हम लोग गए, हमने कहा महोदय एक ऐसा मामला, ऊर्जा मंत्री तुरंत पत्र बनाया और लेकर तुरंत उसी दिन उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब सबसे बड़ा सवाल ये जरूर है,
कि जिन भी कार्मिक सदस्यों को प्रबंधन ने उसमें रखा उनका यह कहना है कि साहब जब बैठक हुई तो हमको बुलाया नहीं गया। अब सबसे बड़ी सवाल यह है, नहीं बुलाया गया तो जो एमडी या उसके नीचे जो डायरेक्टर थे वो भी बिजली विभाग के कार्मिक थे, उनको नहीं बुलाया। हाँ, सरकार सबसे ज्यादा घेरे में तब आती जब सरकार के संज्ञान में किसी भी कार्मिक लीडर द्वारा, किसी भी संगठन द्वारा या किसी भी प्रस्ताव द्वारा सरकार के संज्ञान में लाया गया होता थी कि यहाँ पे घोटाला हो जाए, घरों में पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं ये जो भी वहाँ के रूप में काम कर रहे हैं, हम लोग हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ये विषय अवधेश जी, श्रीकांत शर्मा जी के संज्ञान में अगस्त में आ गया था, FIR नवम्बर में जाके हुई, अगस्त में विषय संज्ञान में आ गया था, अखबारों में आ चुका था। अगस्त सरकार नहीं सकते हैं इसमें, सरकार की नाक के तले रुपया ट्रांसफर होता रहा, सरकार आने वाले होता रहा, उसके बाद आप कहें कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी थी उनकी। भाई आप लोग अपनी, आप लोग अब बहस अब चुप हो जाइए। अवधेश शर्मा जी, अवधेश शर्मा जी आप बहुत बोल चुके हैं, हम लोगों को भी बोलने दीजिए। अब ये ट्रेड यूनियन का मंच नहीं है, आप सारे कानून आप ही गिना देंगे तो हम लोग क्या यहाँ मूक दर्शक बने रहेंगे। अरे ठीक है, बोलिए बजट साहब, आपकी बारी है भाई। ऐसा लग रहा है सर, रुक जाइए प्रवन जी, आप भी रुक जाइए, आप भी बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न करते हैं। आपको ठीक है, आपको अपने विरोध की राजनीति करनी है, विरोध की राजनीति सुन लीजिए, सही बता बता अब रुक जाइए अभी। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, सरकार लिखित आश्वासन दे चुकी है, अब अवधेश जी हमारी बात का एक एक करके जवाब दे दें। सरकार लिखित क्या नाम है आश्वासन दे चुकी है कि पैसा एक एक लौटाया जाएगा, अगर ट्रस्ट को पैसा JHFL से नहीं मिलता है तो सरकार ट्रस्ट को लोन देगी, ये गलत है या सही है ये बताइए। कहे हैं अवधेश जी, बताइए मेरी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल सरकार ने दिया है, ठीक है, तो फिर कर्मचारियों में असंतोष की कोई बात नहीं रह गई, ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तीन तीन कर्मचारी आपके सरकारी गवाह बने, ये सच है या झूठ है? बिल्कुल सही है, सही है। तो जब तीन सरकारी गवाह बन गए हैं तो जांच प्रभावित कहां से हो गई? नहीं, क्योंकि देखिए एक वकील की तरह बहस कर रहे थे, इसलिए मैं वकील की तरह बहस कर रहा हूं। अब मेरा ये कहना है, सुन लीजिए CBI, सुन लीजिए प्रदीप जी, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर चीज को डिरेल नहीं करी जा सकती। ना आपसे भी सवाल पूछे, आप सवाल आपसे जी, सवाल आपसे सुनिए। हाँ। सवाल यह है कि जब कार्मिक उस ट्रस्ट में कार्मिक भी थे तो ये कार्मिकों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? अगर उनको नहीं बुलाया गया था तो इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई कि हमको उन बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है? तो ये कार्मिक भी दोषी है कहीं ना कहीं ना। प्रदीप जी यही सवाल तो मैं उठा ही रहा हूँ कि तीन लोगों को सरकारी गवाह क्यों बना लिया गया, ताकि उनको ये आश्वासन दिया गया होगा कि तुम जो है सजा से बच जाओगे, उनको सजा से बचाने का अधिकार किसने दिया? तीन लोग सरकारी गवाह क्यों बने? सरकारी गवाह को क्या लाभ मिलते हैं ये मान्यवर बताएं हमको। क्या कोई सरकारी गवाह बनकर जो है सजा से बच जाएगा? और ऐसे सरकारी गवाह बनने वालों के खिलाफ श्रमिकों ने आंदोलन क्यों नहीं चलाया? देखिए इंटक एटक C2 इन सबकी भूमिका अब एक चाटुकारों की रह गई है, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, इसीलिए ऐसे घोटाले हो रहे हैं। और विश्वविद्यालय में जब कुलपति नियुक्त होता है तो उसके वित्तीय अधिकार 6 महीने पहले छीन लिए जाते हैं, हमारे यहां ऐसे क्यों नहीं हो रहा है?
प्राइवेट कंपनी को जो है 1% कमीशन का लाभ उठाएगी सरकार। मजाक नकवी साहब, बात हो गई जी, ठीक मान गया। ये जो तीन लोग अप्रूवर बने हुए हैं, क्यों क्यों ये अप्रूवर बन गए? देखिए एक चीज आपकी जानकारी मैं बता दूं जी, ट्रस्ट में जो अभी बात ये आ रही है कि जो लोग भी बने, जो भी सरकारी कार्मिक थे, ट्रस्ट में मेंबर थे, उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? अब ये सवाल जब बैठक के बाद निकलेगा, क्योंकि जो ट्रस्ट का पूरा निश्चित तौर पर ही गलत है, क्योंकि ट्रस्ट में 13 लोग थे जी, 13 में दो कार्मिक संगठन भी थे, तो उनके द्वारा ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, क्यों नहीं किया गया? ये निश्चित तौर पर अगर वो दोषी है तो उनको बचाना नहीं चाहिए। अब एक दूसरा सवाल क्या था, उन्होंने भी तो सहमति नहीं दी। बिल्कुल सुन लीजिए, 22 तारीख की मिनट की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो इनका ट्रस्ट की बैठक थी वो भाई रोटेशन दस्तखत कराई गई, जो बात आ रही है, क्योंकि ये कागज सब सील्ड है, दोनों एजेंसियों के पास जांच कर रही है। अब ये देखें कि वास्तव में ये बैठक हुई थी, ये रोटेशन में मिनट साइन कराई गई थी, और जिस मिनट पर के आधार पर ये बात आ रही है कि कहीं फर्जी है कोई असली है, यही सब मामला जांच का विषय है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मजाक साहब एकदम सही बात कह रहे हैं कि सरकार ने गारंटी ले ली, सरकार ने यह कहा है कि मैं लोन के रूप में पैसा दूंगा, उस पर भी हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का चूंकि 51% शेयर सरकार का है, बिजली विभाग की कंपनियों में, तो निश्चित तौर पर सरकार अगर बहन कर रही है तो अच्छा कदम हो जी। ये हमारी सरकार तो बहन करती है भाई, 50% इसमें जो शुरू से लेकर अंत तक जो 9-7 पोस्ट थे, 17 लोग तो जेल चले गए, लेकिन जितने 9-7 पोस्ट थे वो कहा वो कैसे बच सकते हैं? वो चेयरमैन की भूमिका में, ट्रस्ट के चेयरमैन की भूमिका में थे। चेयरमैन सबसे बड़ा पद होता है, चेयरमैन जो चाहेगा ट्रस्ट का वही होगा, और उसको जवाब नहीं। तो सवाल ये भी बन रहा ना कि उस समय चेयरमैन था कौन? देखिए उस समय संजय कुमार का चेयरमैन था ना, उसका ना कि उनका फर्जी सिग्नेचर किया गया। अब देखिए सिग्नेचर नहीं किया, देखिए क्या बोल रही जी, संजय कुमार का जो कह रहे फर्जी हुआ असली हुआ, अब सीबीआई बताएगा, कोर्ट बताएगा, ठीक है, ये यूडब्ल्यू नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है, यूडब्ल्यू नहीं करेगा, सीबीआई बताएगी। सुमन जी के पास, सुमन जी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रस्ट में दो कर्मचारियों के संगठन के लोगों को रखा गया, वो उनका कहना कि हमको मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया, जब उनको इनवाइट नहीं किया तो उनको सवाल खड़े करना चाहिए था ना, और क्या बिना उनकी जानकारी के इतना पैसा उनका अपने कर्मचारियों का पैसा सब जगह लगा दिया गया? देखिए ऐसा है, ट्रस्ट में कार्मिक संगठन के भी लोग थे, जैसा कि अवधेश जी भी कह रहे हैं, तो जब भी कोई ट्रस्ट गठित होता है तो उसमें हर तरह के हर जिनका प्रतिनिधित्व होता है उनको रखा जाता है, और प्रदेश सदस्य जो होते हैं उनका भी वो नाम होता है उसमें, चेयरमैन वो नाम से नहीं बल्कि पद से होते हैं, मेरा ख्याल जहां तक अवधेश जी में गलत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब उस समय जो भी रहे हैं, सबसे बड़ी चीजें थी जो इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि राष्ट्रीयकृत बैंक के बजाय किसी भी कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। बात करने के आपने देखा होगा कि जो है ये आपके चिट फंड कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनियां कितना पैसा लोगों का लेकर के चली गई हैं, और आज भी देखिए अभी तमाम बैंकों का मसला आ रहा है कि कैसे बैंक डूब रहे हैं, कैसे लोग एनपीए नहीं हो पा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था के जो ये हाल है, कंपनियां दिवालिया हो रही है, यही कारण है कि जो नेशनलाइज बैंक की बात की जाती है कि कम से कम वहाँ पे गारंटी रहे, कम से कम धन तो सुरक्षित है ना लोगों का, वहाँ गलती तो वही में हुई जो इन्होंने, जबकि पीएफ को अगर पीएफ नहीं जमा करती है कंपनी तो आपराधिक मामला माना जाता है, उसके खिलाफ आपराधिक केस चलता है। बिल्कुल ऐसे मामलों में, इतने सेंसिटिव मामलों में ये क्यों बदलाव किया गया, इसका मतलब किसी न किसी का इंटरेस्ट तो उसमें था। बिल्कुल अजय जी, आप भी उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष है, तमाम जगह पर और भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि क्यों प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है? देखिए जी आप पहली बात समझ लीजिए, दोनों पहली जी, पहली बात ये मैं इसलिए मुद्दा नहीं उठाया कि ये पब्लिक डोमेन में ये पब्लिक से संबंधित कोई मुद्दा नहीं था जी, ये इनके ट्रस्ट का और इनके बीच का मामला। दूसरी चीज, 2-3-2015 आप समझ लीजिए जी, 2-3-2015 को भारत सरकार ने गजट जारी किया, उन्होंने कहा कि जो ट्रिपल रेटेड कंपनियां है, 4 रेटेड कंपनियां है, वहां भी पैसा लगाया जा सकता, लेकिन एक शर्त थी कि 50% से ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। यहां पर 50% से ज्यादा पैसा लगा दिया गया, मतलब पूरी तरीके से डीएचएफएल, चूंकि डीएचएफएल घुसने के लिए कोई कोई जियो आया हुआ था, तो डीएचएफएल 2-3-2015 में जो भारत सरकार का जियो था उसके सहारा लेकर डीएचएफएल घुसा, इसका मतलब 50% से ज्यादा जब उसको पैसा दे दिया गया, लगभग 4,000 करोड़ तक पैसा दे दिया गया, और ये पैसा आता रहा जब मार्च 2000 जब ये दिसंबर है, जब ये किस ताला बंद हो गया, तब ये
मामला लगा लिया, क्या होगा तब इन लोगों के हाथ पांव खुले। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी अगर प्रबंधन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग थे पावर कॉर्पोरेशन के, उसमें कई डायरेक्टर लोग भी मेंबर थे, एमडी मेंबर थे, जिसमें इंजीनियर भी थे, कर्मी भी थे, निश्चित तौर पर कहीं कहीं जब तक मामला चलता रहा, सालगांव चलता रहा, कमीशन चलता रहा, चुप बैठे रहे। जब उधर वो आप याद होगा कि बॉम्बे में जब इकबाल मिर्ची वाला केस हुआ डीएचएफएल का मामला, वहां बैंक ने वहां पे कि बैंक ने आतंकवादी को इस पर रोक लगा दिया तो हंगामा मच गया। उसने कहा भाई अब तो मैं किसी का भी फंड नहीं दूंगा क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। जब वहां से चिट्ठी आई तो यहाँ पर पूरा हंगामा मच गया। तो सवाल ये होता था कि पूरा बोर्ड ऑफ जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे बिल बांट कर खाते रहे और जब पैसा बंद हुआ चिल्लाने लगे तो यहाँ से जो बिल बांट के बंदर बाहर उसने सवाल ठीक अमित त्रिपाठी जी, उसमें सारे बोर्ड के सारे मेंबर, ट्रस्ट के सारे मेंबर, उसके अलावा कर्मचारी के जो संगठन के भी मेंबर थे, सबके भी नहीं पता थे क्या? सबके पास पैसा पहुंच रहा था क्या? देखिए ये हम और आप तो नहीं तय करेंगे कि कौन दोषी है कौन साफ है। देखिए सबसे बड़ी चीज है सीबीआई जांच का आदेश हमारी सरकार ने कर दिया है। अब आपको भरोसा रखना पड़ेगा, सबको भरोसा है सीबीआई पे कि जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगा, जो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नीचे स्तर का जो कर्मचारी होता है वही फंसाया जाता, ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं बता दूं कि पिछले 3 सालों में मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मीडिया भी दिखा रहा है कि चाहे आईएएस अधिकारी चाहे डीपीएस अधिकारी हो, दोषी जहां भी पाया जा रहा है सस्पेंड किया जा रहा है, उस पर जांच की जा रही है। हम हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया, देखिए हमारे संज्ञान में जैसे ये विषय आया हमने बिना कोताही बरते हुए इस पे तुरंत ही एक्शन किया और सीबीआई रिकमेंड किया केस को कि आगे इस पे कार्रवाई हो जाए। लेकिन ये जो मुद्दा था जैसे अभी अवधेश जी बता रहे थे कि ये खुद गए थे मंत्री जी के पास तो उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोग भी कह रहे हैं कि किसी का पैसा नहीं डूबने जा रहा है। जो भी इसमें लिप्त है चाहे जितना भी नीचे का स्तर का कर्मचारी हो चाहे जितने ऊपर का स्तर का कर्मचारी हो हम बख्शेंगे किसी को नहीं, ठीक है, उनसे ही इसका वसूल के पैसा अपनी जनता सबसे बड़ी बात है कि पैसा क्या पैसा उनसे वसूला जाएगा ये भी सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल वसूला गया भी है, लगातार कार्रवाई जारी है क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है ये केवल इसी विभाग में नहीं था, ये लगातार जिस तरीके से कैंसर की तरीके से उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था उसको खत्म करते में लगे हमारे मुख्यमंत्री जी। इस तरीके की चीजें पिछली सरकारों में निकलती थी लेकिन साफ कर दी जाती, ठीक है ठीक है। पवन जी सवाल ये है कि जैसे अभी बता रहे अमित त्रिपाठी और हम लोग भी दिखाते रहे लगातार 1500 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, 5 पीसीएस अफसरों पर कार्रवाई अभी तुरंत की गई है और उन्नाव के डीएम को सस्पेंड किया गया है, इससे उम्मीद तो बनती है कि कोई भी बड़ा अधिकारी होगा बच नहीं पाएगा। नहीं निश्चित रूप से कोई भी अधिकारी बचना नहीं चाहिए और जब सीबीआई के दायरे में जांच है और सीबीआई जांच कर रही है तो उसमें बच भी नहीं पाएगा, ऐसे हम सब लोग इसकी आशा करते हैं। मगर इस बात में जो इस तरह की जिम्मेदारी से हट रहे हैं, आप देखिए जब 2017 में जिस समय इसको पैसा दिया गया दीवान हाउसिंग फाइनेंस को उस समय इसकी जो बैलेंस शीट आई थी उस बैलेंस शीट में 800-700 करोड़ की इसका कुल उतना अपनी निजी उसका वो सो थे और 93,000 करोड़ के उसके ऊपर कर्जे थे। उसके बाद उसको जिसके ऊपर 93,000 करोड़ के कर्जे थे उसको ए रेटिंग और टू रेटिंग करके उसको पैसा दे देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। ये इसमें तो जो धाराएं भी लगाई गई इससे ज्यादा गंभीर धाराएं लगाई जानी चाहिए और लोगों को भेजा जाना चाहिए जेल। और इसमें इग्नोर आप जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती, हम इसको मानने को तैयार नहीं प्रदीप जी, इसमें जिम्मेदारी काफी कुछ निगरानी की सरकार की बनती है। जब अगस्त में केस आ गया था इन्होंने नवंबर में एफआईआर क्यों की, क्यों नहीं अगस्त में जांच की? जो भी इसमें दोषी होंगे वो अरे विश्वास मानिए कि जाएंगे जेल में, अरे बिल्कुल जाना चाहिए। अरे जब जांच एजेंसी भरोसा ना हम लोगों को, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जांच एजेंसी काम करेगी जाना चाहिए। भ्रष्टाचार हमने केंद्र में और राज्य में मिलकर विपक्ष पार्टियों के साथ किया है उसी की ये देखिए। अरे आप ये भटकाते रहिए, ठीक है, आप ये करते रहिए, आप इस जांच को पूरा कराइए, लोगों को बचाइए मां, ठीक है ठीक। जिस तरह क्लीन सीट से आपने संजय अग्रवाल को कैबिनेट सेक्रेटरी के पैनल में मौका आने का दिया, ये सब काम मत करिए, मत करिए सब, ठीक है ठीक। ईओडब्ल्यू की ऐसी नहीं दी क्लीन चिट दे देती सरकार के सारे में दी गई क्लीन चिट, ठीक है। पवन जी बात हो गई आपकी, पवन जी बात हो गई आपकी, मजाक नकवी साहब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है अभी हाल में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, इससे यह तो लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी भी बचेगा नहीं और सीबीआई ने भी कल साफ कर दिया है कि बड़े लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। देखिए मैं बार बार इस चैलेंज के माध्यम से यही बात कहता रहा हूं कि देश में और प्रदेश में
ईमानदारी के मामले में ना तो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई सवाल उठाया जा सकता है, ना मुख्यमंत्री के ऊपर कोई सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन नौकरशाही पर अंकुश लगाने के मामले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उसकी जो शुरुआत हुई है वो स्वागत योग्य है और इसका खुले क्या नाम है दिल से सभी को स्वागत करना चाहिए कि एक के भी खिलाफ कार्रवाई हुई तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन जहां तक पीएफ घोटाले का मामला है तो उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो रेटिंग करने वाली एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता क्या है, ये ट्रिपल ए या ट्रिपल फाइव या फाइव स्टार रेटिंग जो होती है ये क्या मैनेज तो नहीं की जाती। दूसरी बात यह है कि फायदा ज्यादा हो रहा था तो कितने प्रतिशत का फायदा सरकार को होने वाला था, क्या सरकार 1% फायदे के लिए पीएफ के कर्मचारियों का भविष्य दांव पे लगा देगी, ये भी सोचना और विचारणीय प्रश्न है। और जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वो माना गया कि सुन लीजिए ये माना गया कि वो बहुत फायदे में है, तो उस वक्त 2014 में रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा था, उसके बाद मोदी सरकार के ही कठोर निर्णय से वो धराशायी हो गया। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जब सरकार सख्त कदम उठाती है तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी समझना चाहिए कि वो भी बचेंगे नहीं। और जेल अब कोई सजा का मापदंड नहीं रह गया है, जेलों में सुविधाएं मिलती है, इनके लिए इस बात को पर भी विचार करना होगा कि इनको भी कम से कम इनके घरों से 500 किलोमीटर दूर भेजना चाहिए। ठीक है, समय कम है, बात पास सुमन जी की बात चलेंगे। अमित त्रिपाठी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कह दीजिए, अपनी बात रख लीजिए। नहीं देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, जांच हो जाने दीजिए, सरकार पूरी तरीके से जो भी कर्मचारी उनके साथ है जल्दी से ठीक करेगा जी। मजाक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, चाहे एनएचपीसी रहा हो, सेबी रहा हो, जो लोग भी रेटिंग करने वाले लोग हैं, ये रेटिंग करने वाले लोगों को भी बहुत ही गंभीरता से ये बात उठना चाहिए आने वाले समय में कि रेटिंग करते रहते देखो। दूसरा जी, अगर पब्लिक डोमेन में क्या समझिए, सबकी बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में है, जब इसने पब्लिक पवन जी ने भी कहा कि जब इसको डीएचएफएल ने अपना बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में डालते हुए कह दिया था कि हमारी रेटिंग अब डाउन हो रही है और अब कोई अपनी आने वाले समय में लेने वाले नहीं है, उसने पब्लिक डोमेन डाला। ठीक है, तो बिजली कार्मिक लोग जो भी हमारा प्रबंधन था उसको जब ये पैसा निजी घरानों में लगा रहे तो उनकी नैतिक दायित्व तक उस पर नजर रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या रही है। तो ये पूरी बातों पर बहुत ही गंभीरता से आने वाले संगठनों पर भी सवाल, कर्मचारी संगठनों पर भी सवाल खड़े। सुमन गुप्ता जी करो, सुमन गुप्ता जी सवाल यह है कि जो पैसा कर्मचारियों के भविष्य निधि का डूबा है वो सरकार कह रही है कि हम लोन के मार्फत दे देंगे, सरकार लोन देगी, उन सरकारी कर्मचारियों का पैसा तो बच जाएगा, लेकिन इसका खामियाजा का आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं चला जाएगा ना। पैसे का तो अल्टीमेटली कहीं भी कोई टैक्स लगता है, कोई भी ऋण होता है तो कर्जदार कौन होता है, इस देश की जो जनता है कर्जदार तो वही होती है ना। तो कुल मिलाकर के ये सवाल ये है कि एक तो हमें जो अर्थव्यवस्था को लेकर के और कंपनियों को लेकर के प्राइवेट सेक्टर को लेकर के एक गवर्नमेंट लेवल पे एक एजेंसी ऐसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं कि जो पैसा मार्केट शेयर मार्केट के माध्यम से या मार्केट में जो पैसा है उसके माध्यम से मुनाफा को देखते हुए हम कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि मार्केट की जो व्यवस्था है उसी के अनुसार उसका लाभ बिल्कुल होगा। नहीं, उस समय जिसमें डीएचएफएल को पैसा दिया गया उस समय वो हाउसिंग सेक्टर बूम पे था, इसमें कोई शक नहीं है और मुनाफा ज्यादा आ रहा था, लेकिन इकबाल मिर्ची जो उसके संबंध थे इसकी पड़ताल क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। अमित त्रिपाठी जी का रुख जी, सारी चीजें तो तय करना चाहिए कि हम जिस कंपनी को चुन रहे हैं कि किस कंपनी को हमें पैसा देना है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी लीगल पोजीशन क्या है, हमें इन सब चीजों को देख करके। तो अब तो सवाल, अब तो वो चीजें बहुत पीछे चली जा चुकी है, अब तो सवाल ये है कि जो पैसा लगा है वो पैसा कैसे वापस आए, कैसे वापस आए, जो दोषी है इसमें उनको कैसे दंड मिले। ठीक है अमित त्रिपाठी जी, सरकार ने तो ठीक किया कि पैसा उनको आप लोन के मार्फत दे देंगे, कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा उनको मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो भार है वो तो उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, कोई उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, देखिए जो भी इसका फायदा उठाए लोग हैं चाहे जो भी दोषी है उन्हीं से हम वसूल के वो पैसा नहीं। वो वापस प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता है उनकी आय पे उनका टैरिफ अलग प्रोसीजर पे तय होता है, ये वहां नहीं है। देखो इस पर मिलता 16% इनको फायदा मिलता है। नहीं जी, आप ये बता दीजिए क्या इन 17 लोगों के पास में 2500 करोड़ रुपए की राशि है, इनसे वसूला जा सकता है? ये तो देखिए 2500 करोड़ है,
इन 17 लोगों के पास की 250 करोड़ है जी। ये तो जांच एजेंसी अपना करेगी। हाँ। ये हम कैसे बता देंगे इनके पास कितना नहीं रहा। बिल्कुल इनके इनके पास से इतना पैसा नहीं आने वाला है कि 250 करोड़ की रिकवरी हो जाए। बिल्कुल ये बात जरूर है कि अभी अभी मैं बता दूं अभी उनके अभी डीएचए पास में भी नुकसान होता है। अभी आप देखिए बिजली का जी आप मैं बता दूं जी अभी डीएचए का जो एनसीएलटी में मामला गया है डीएचए के पास करोड़ों रुपए है। अभी आने वाले समय में उसमें से कितना रुपया है। लेकिन अजय जी आप ये तो मानेंगे कितनी एनबीएफसी बाकी है उनसे वो पैसा रिकवर नहीं कर पाए। एनएचपीसी है सेबी है जो लोग रेटिंग करने वाले लोग हैं वो तो पूरे मार्केट का सर्वे करते हैं। तो जब मार्केट का लेकिन जब उनको बताएंगे जब उनको बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना। उनको तो सबको करता सेबी और एनएचपीसी वो रेटिंग करने वाले लोग जो है जी एक कमेंट बस ठीक है पता चल जाना चाहिए था कि इनका पैसा कहीं ठीक है। अमित त्रिपाठी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए समय खत्म हो रहा है। नहीं देखिए मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया है कि किसी उपभोक्ता के ऊपर नहीं कोई भार आने जा रहा है। देखिए हमारा क्या है जब तक चीजें निकल के सामने नहीं आएंगी हम आप नहीं तय कर सकते हैं कि चीजें कहां पे आके फंसी हूँ किसकी कौन दोषी है कौन निर्दोष है। सरकार किसी निर्दोष को फंसाने नहीं जा रही है और किसी दोषी को छोड़ने नहीं जा रही है। ये सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति में जो काम किया जाएगा वो हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है मैं उसका सब सम्मान करें ठीक है। पवन गुप्ता जी आपका फाइनल कमेंट। दिक्कत ये है कि ये जो पैसा डूबेगा सरकार हालांकि उसकी भरपाई कर देगी लेकिन अल्टीमेटली ये आम उपभोक्ताओं के टैक्स का पैसा होगा। जी हाँ बिल्कुल सही है मगर देखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस के पास जो उनकी देनदारी उसके साथ उनके एसेट्स भी हैं उनको पैसा लिया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक स्टे हो गया था जिसके कारण प्रक्रिया पूरी रुक गई थी पैसा वापस नहीं हुआ। मगर इस समय देखिए जो आज यस बैंक फेल हुई है उसके भी तार उसी से जुड़े हुए हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस से उसका भी पैसा माल है 12,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का भी है। मगर ये जरूरत है जरूरत भारत सरकार को है कि उस केस को जल्दी से निपटाए उससे पैसा जो निकले पहले भविष्य निधि के पैसे को देना है बाकी बैंकों में पैसे बाद में देना है। पैसा वहां पे 40-45,000 करोड़ निकल सकता है रुपया इन पे 93,000 करोड़ फंसा हुआ है इससे कम से कम कर्मचारी निधि का पैसा निकाले। ठीक पैसा निकालने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो पैसा निकल भी आएगा लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इस समय ऐसे लोगों के सामाजिक बहिष्कार की जरूरत है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत ऐसे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के परिजनों को अब चाहिए कि वो अपने ऐसे माता पिता को डिसोन कर दें। जी चलिए ये तो बड़ी बड़ी बात कह दी कि अपने माता पिता अपने बच्चों को डिसोन कर दे। नहीं नहीं बच्चे ऐसे भ्रष्ट माता पिता को डिसोन करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि जिस तरह से सीबीआई ने अब जांच को टेकअप कर लिया है तो एक उम्मीद बंधी है कि कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो इससे बच नहीं पाएगा। सफेदपोश भी अब इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि सीबीआई की जहां तक बात है उस पर किसी का जोर नहीं चलता है और किसी भी सफेदपोश हो या बड़ा से बड़ा आला अधिकारी हो वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो उम्मीद यही बनती है कि अब जो असली कल्प्रिट है वो सामने आएंगे दोषियों को सजा मिलेगी और सजा मिलने के साथ साथ जो कर्मचारियों का पैसा है वो कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित रहेगा। और इसके साथ एक और जो सबसे बड़ी बात है कि उपभोक्ता पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। क्या डीएचएफएल से पूरा पैसा रिकवर हो पाएगा क्या दूसरी कंपनियों में जो पैसा लगा है उनसे पैसा रिकवर हो पाएगा यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।